सीक्रेट पेरेंट्स। सब कुछ अजीब सा लग रहा है यशोदा। काजल को भी बस चक्कर ही आते थे। बेचारी लड़की पता नहीं कहाँ होगी वो। यहाँ क्या हो रहा है पता? समंथा की यशोदा फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस वीडियो में हम करने वाले इस मूवी का रिव्यू। अब दोस्तों मूवी का रिव्यू करें उससे पहले फिल्म की आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये एक टॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम यशोदा है। इसके लीड रोल में आप लोगों को साउथ एक्ट्रेस समंथा नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में 5 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी है। खैर बात करें हम इसके स्क्रीन की तो तेलुगु में दोस्तों इसको 500 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वहीं ऑल इंडिया में इसको 1100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और दूसरे देशों में इसको 250 स्क्रीन मिली है। टोटली 1350 स्क्रीन में इस फिल्म को रिलीज किया गया है। बात करें हम इसके कलेक्शन और बजट की तो इस फिल्म का बजट 30 से 35 करोड़ रखा गया है। वहीं इस फिल्म को 11 नवंबर को पैन इंडिया में रिलीज किया गया है जिसमें आज रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं। खैर बात करें हम यशोदा के डे 1 के कलेक्शन की तो पहले ही दिन इसने इंडिया में 3.06 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं डे 2 का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है 4 करोड़। मतलब धीरे धीरे करके ये फिल्म आगे बढ़ रही है। खैर बात करें हम आज की एडवांस बुकिंग की तो आज तेलुगु में इसकी बुकिंग आई है 1,45,00,000 की, वहीं हिंदी में 4,00,000 की, तमिल में 17,00,000 और मलयालम में 33,000 की। कन्नड़ा लैंग्वेज में भी दोस्तों इसको रिलीज किया गया बट वहां पर ये मूवी नहीं चल रही है। खैर आज की इसकी एडवांस बुकिंग होती 1.67 करोड़। खैर अभी हम करते हैं दोस्तों इस फिल्म का रिव्यू। ये फिल्म दोस्तों एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि पूरी तरह से एक्शन से भरपूर है। स्टार्टिंग में दोस्तों ये फिल्म आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है क्योंकि इसमें डायलॉग बाजी वगैरह बहुत की गई है। वैसे इतनी भी बोरिंग नहीं लगने वाली क्योंकि इसमें समंथा की कहानी और पीछे जो भी होता है वो भी सब साथ में चलता रहता है। इसी कारण ये फिल्म ऑडियंस को बांध रखती है। खैर समंथा की लाइफ स्टार्टिंग में बहुत ही सही चल रही होती है, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और जिस लड़की को फाइटिंग का नाम तक नहीं आता था वो एकदम से फाइटिंग सीख जाती है। दरअसल दोस्तों जहाँ पर वो लड़कियां रहती वहाँ पर इनके पीछे ऐसा कुछ होता रहता है जिसकी इन लोग को भनक तक नहीं होती। अब क्या होता है वो सब सस्पेंस है, आप लोग जब मूवी देखोगे तभी पता चल जाएगा। अब दोस्तों मेन फिल्म की जो स्टोरी शुरू होती है वो होती है इंटरवल के बाद। इंटरवल के बाद ये फिल्म आप लोगों को पूरी तरह से बांधे रखती है क्योंकि इंटरवल के बाद हर सीन में सस्पेंस होता है। खैर दोस्तों फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को भी ये फिल्म हिंदी में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पर जाइए आप लोगों को इस मूवी का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप लोग देख भी सकते हो।